हे फ्रेंड्स, दिस इज अरुण और आप देख रहे हैं ब्लॉग। और आज हम लोग बात करेंगे ESD की न्यूली लॉन्च बाइक स्क्रैम्बलर के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। और बात करते हैं इसके वेट की। इसका वेट 182 kg का है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 12.5 लीटर का है और इसका जो व्हील बेस है वो अराउंड 1400 mm का है, जो कि हाई स्पीड पे काफ़ी अच्छी आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें इसकी सीट हाइट की तो 800 mm है, जो कि ठीक ठाक है। और इसको 5 ईयर्स के ऊपर पर्सन कोई भी चला सकता है इसको। बात करें ESD की तो ESD ने कमबैक किया है अपनी 3 बाइकों के साथ, स्क्रैम्बलर, रोडस्टर और एडवेंचर। ये स्क्रैम्बलर है जो कि लुक्स में काफ़ी अच्छी है और ये मेनली यंगस्टर को काफ़ी अच्छी बाइक लगने वाली है। इसका लुक थोड़ा सा नेकेड टाइप का है और बेसिकली ये स्क्रैम्बलर प्रोजेक्ट पे डिपेंड है। इसकी जो की है वो सिंपल है बिल्कुल, और इसका जो मीटर कंसोल है वो पूरी तरह से डिजिटल है, जो कि लुक्स में काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में आपको प्रोवाइड कर पाता है। बात करते हैं इसके फ्रंट की, तो फ्रंट में इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ESD की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और ये बाइसेक्शन है, यानी कि आपको इसमें 2 सेक्शन मिल जाते हैं। ऊपर आपको हाई बीम और नीचे आपको लो बीम वगैरह देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डुअल एक्सटेंडेड मडगार्ड देखने को मिलता है, यानी कि आपको ऊपर एक मडगार्ड निकला हुआ देखने को मिल रहा है, ये हाफ है, और नीचे एक पूरा मडगार्ड लगा हुआ है, जो लुक्स को काफ़ी अच्छा इन्हेंस कर देता है और बाइक काफ़ी अच्छी लगती देखने में। और कई लोगों को ये पसंद नहीं भी आ सकती है, सो लुक्स जो है वो एक सब्जेक्टिव पार्ट है। LED हेडलैम्प इसमें दिया हुआ है, साथ में LED इसमें इंडिकेटर भी दिए हैं। जो सस्पेंशन है वो कवर के साथ आता है, इसमें आपको सस्पेंशन कवर देखने के लिए मिलता है, ताकि इसमें डस्ट वगैरह ना जा सके और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल सके। तो लुक्स में काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें फ्रंट सस्पेंशन की, तो इसमें टेलीस्कोपिक फॉक आता है, जिसमें कॉइल स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है, यानी कि एक नॉर्मल फॉक है। और इसकी जो ट्रैवल है काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जो कि ABS के साथ आता है। और इसमें बाइबर के कैलिपर्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रेक बाइट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे आपको इंस्टेंट बाइट देखने को मिल जाती है। सो बाइक लुक्स में काफ़ी अच्छी है। फ्रंट में जो टायर साइज़ दिया है वो 19 इंच का दिया हुआ है और टायर जो है वो 100x90 सेक्शन का दिया हुआ है, जो कि आपको ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। और इसमें जो टायर टाइप, जो इसमें व्हील टाइप दिया है वो आपको स्पोक्स टाइप दिया है, जिससे कि अगर आप ऑफ रोडिंग करें तो ये बेंट हो जाए और बेंट होने के बाद इसको सीधा किया जा सके। अलॉय व्हील में ये प्रॉब्लम आती है कि आप उसको बेंट होने के बाद सीधा नहीं करा सकते हैं, तो इसलिए इसमें आपको स्पोक्स व्हील देखने को मिलते हैं। ये आपका सेकेंड वाला मडगार्ड है और ये ऊपर फ्रंट वाला। सो लुक्स में काफ़ी अच्छी बाइक है। अगर हम साइड की बात करें तो साइड में आपको लुक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये डुअल टोन कलर में आपको देखने को मिल रही होगी, ब्लू और वाइट में। यहाँ पर ESD की ब्रांडिंग है। इस बाइक में ब्रांडिंग कई जगह की गई है, जैसा कि आप देखेंगे छोटे से छोटे पार्ट में ESD की ब्रांडिंग की हुई है। साइड में आपको स्क्रैम्बलर लिखा हुआ मिल रहा होगा, जो कि लुक्स में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अगर बात करें इसके एग्जॉस्ट की, तो काफ़ी अच्छा इसको लुक प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ भी आपको स्क्रैम्बलर देखने को मिल जाता है, ESD की ब्रांडिंग, और आपको ये थाई सपोर्ट मिलता है, इसमें भी आपको छोटी सी ESD की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। सो इस बाइक में मैंने बताया है कि इसमें ESD की काफ़ी जगह ब्रांडिंग की हुई है। सो लुक्स काफ़ी अच्छे हैं बाइक के। रियर लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया गया है, आपको रियर में LED हेडलाइट बैकलाइट देखने को मिल जाती है और साथ में आपको इंडिकेटर भी LED देखने को मिलते हैं। ऊपर आपको ग्रिप छोटी सी देखने को मिल सकती है और ये काफ़ी अच्छा लुक देता है बाइक को। पीछे से भी लुक काफ़ी अच्छा है। जो नंबर प्लेट है वो अलग से मडगार्ड हगर में लगा के दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और एक डिफरेंट लुक बाइक को प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर पिछला सेक्शन थोड़ा सा खुला हुआ है, सो आप जब स्प्लैश में चलाएंगे तो हो सकता है कुछ छींटे उड़ें, लेकिन नॉर्मली बाइक का लुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा आपको एकदम डिफरेंट फील कराती है। साइड में आपको इसमें डुअल सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि गैस चार्ज हैं। इसमें गैस कनेक्टर लगा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको बाइबर के कैलिपर्स देखने को मिलते हैं और ये ऊपर से ढके हुए हैं, यानी कि जब ऑफ रोडिंग करेंगे तो ये इसमें डस्ट वगैरह नहीं जा पाएगा, जिससे कि इसकी जो लाइफ है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इसमें पीछे आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, साथ में ABS की रिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। और अगेन पीछे जो आपको
लुक है बाइक का काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें इसके रियर टायर की तो इसमें पीछे 140/70 सेक्शन का 17 इंच का टायर दिया हुआ है जो कि काफ़ी सही है और काफ़ी अच्छी आपको स्टेबिलिटी दे पाता है ऑफ रोडिंग के समय। पीछे आपको स्पोक्स टाइप व्हील दिए हुए हैं, जैसा कि आप ऑफ रोडिंग करेंगे तो ये स्पोक्स टाइप व्हील काफ़ी हेल्प करते हैं। सो आपको पीछे का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, कई लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता है लेकिन नॉर्मली यंगस्टर को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो लुक्स के मामले में बाइक काफ़ी अच्छी है। अगर कंफर्टेबल की बात करें तो इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, थोड़ी सी लॉन्ग सीट है तो इसमें आराम से दो लोग बैठ सकते हैं और काफ़ी स्पेस भी बच जाएगा। बात करें इसके टैंक की तो 12.5 लीटर का टैंक है, इसमें आपको लेजेंडरी ESD देखने को मिलता है, साथ में ESD का लोगो भी देखने को मिलता है। ब्रांडिंग अगेन इसमें हर जगह की हुई है, यहाँ पर आपको इसका टैंक लिड देखने को मिलता है जो कि इस तरह हटाकर इसमें आप चाबी इंसर्ट करेंगे और इसको ओपन कर सकते हैं। सो बाइक्स का लुक काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें इसके मिरर की तो इसमें राउंड शेप मिरर दिए हैं जो कि इसको रेट्रो लुक दे पाते हैं और बाइक काफ़ी रेट्रो भी लगती है लेकिन मॉडर्न टच के साथ। अगर हम बात करें इसके स्विच गियर्स की तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके हेडलाइट स्विच गियर की तो इसमें आपको फ्रंट में यहीं से आप लो बीम, इस समय ये हाई बीम है, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये लो बीम पे आ जाता है और आपको अगर आप इसको डबल प्रेस करते हैं दैट मीन्स आप इसको थोड़ा सा तेज प्रेस करते हैं तो ये पास स्विच बन जाता है। तो एक ही स्विच में आपको तीनों फंक्शनैलिटी दी हुई है, यहाँ से आप अपना मीटर कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे आपको इंडिकेटर का स्विच दिया हुआ है और नीचे हॉर्न है। सो स्विच काफ़ी सही है, थोड़े से प्रीमियम लगते हैं। यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच, हैजार्ड स्विच दिया हुआ है और साथ में आपको यहाँ पर मोटर स्टार्टर का भी स्विच दिया हुआ है जो कि काफ़ी सही है और सिंपल सा लुक देता है। अगर हम बात करें ब्रांडिंग की तो इसमें हैंडल की ग्रिप में भी ब्रांडिंग की हुई है। सो इस बाइक में ब्रांडिंग बहुत जगह हुई है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। सो लुक्स काफ़ी अच्छे हैं बाइक के और काफ़ी सही लगता है। इसका जो मीटर है वो साइड माउंटेड है जो इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस करता है। अगर हम बात करें इसके पावर हाउस की यानी कि इसके इंजन की, सो इसमें 334 cc का इंजन दिया हुआ है और ये 4-स्ट्रोक इंजन है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। BS6 इंजन लिक्विड कूल्ड है और लिक्विड कूलिंग की वजह से ये आप इसको एक बार में लॉन्ग रन इसका ले सकते हैं, दैट मीन्स आप लंबी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं बिना ब्रेक लिए। अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम पावर की तो 29.10 PS की पावर दे पाता है और अगर हम टॉर्क की बात करें तो 28.20 Nm का टॉर्क देता है जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा पावर फिगर है, यानी कि आप जब ऑफ रोडिंग करेंगे तो ये पावर फिगर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम दिया हुआ है, इसका कैटालिटिक कन्वर्टर बाइक में इंजन के पीछे ही दिया हुआ है और वहीं से इसके दोनों एग्जॉस्ट भी जुड़े हुए हैं। सो अगर आप एग्जॉस्ट इन फ्यूचर चेंज कराना चाहें तो ये आपको हेल्प करेगा। इसमें आपको सिंगल साइड स्टैंड दिया हुआ है, मेन स्टैंड इसमें नहीं आता है। अगर हम बात करें इसमें दूसरे साइड की तो यहाँ पर आपको काफ़ी लुक अच्छा लगता है, यानी कि ये जो बाइक है इसका जो इंजन है वो पूरी बाइक में फैला हुआ है। सो बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। यहाँ से आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसका जो बैंड पाइप है यहाँ तक आया हुआ है, तो इसमें डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम आता है जो कि बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। अगर हम बात करें इसके ब्रेक पैडल की तो ब्रेक पैडल कुछ इस तरह का है, यानी कि ये पूरी बाइक ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है, दैट मीन्स आप इसको एकदम इंटेंस ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हेल्प देखने को मिल जाती हैं। सो ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी है, लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर आपको गियर सिस्टम देखने को मिल जाता है और बाइक का लुक काफ़ी अच्छा है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, इंजन काफ़ी सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।